गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड, डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा व्यक्त करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखो, इस आज जो हम लेसन पढ़ाने वाले हैं, बहुत इम्पोर्टेंट लेसन होगा, क्योंकि इसमें तीन अलग अलग प्रकार के जो इन्फॉर्मेशन जो है मैं देने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है और सेंटेंस में उसका यूज़ कैसा होता है और उसका आइडेंटिफिकेशन कैसा करते हैं। उसके बाद में टाइप्स ऑफ सेंटेंस, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं वो कैसे होते हैं और उसको सेंटेंस में कैसा पहचानना चाहिए। और थर्ड जो बात है वो हम सीखने वाले हैं सेंटेंस एनालाइज, कि सेंटेंस को एनालाइज किस प्रकार किया जाता है। ये तीनों चीज़ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और ये आपको समझ में आ गया तो आपका राइटिंग स्किल्स और इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में जो भी थोड़े बहुत कुछ डर है, डाउट्स है, वो निकल जाएगा। बचपन से हम सीखते आ रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन वगैरह ये वो होता है, लेकिन हमें कोई सिखाया होगा या नहीं होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज सेंटेंस में किस प्रकार करते हैं, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर कोई वर्ड आया तो उसको क्या बोल करके उसका नाम दिया जाता है। ये सभी चीज़ जो है हम आज पढ़ने वाले। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं ये बता दूं कि इंग्लिश में जो है वो 44 साउंड्स होता है, और ये 44 साउंड्स जो है 26 अल्फाबेट्स में कंसिस्ट किया जाता है। 44 साउंड्स भी, उसको भी डिवाइड किया जाता है वॉवल्स और कंसोनेंट में, जैसा हमारा अल्फाबेट को डिवाइड किया जाता है वॉवल और कंसोनेंट में। तो देखो, इस अल्फाबेट को यूज करके, वॉवेल और कंसोनेंट के यूज करके हम वर्ड बनाते हैं। वर्ड, अब वर्ड का डेफिनेशन क्या होगा? अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल अल्फाबेट कंसिस्टिंग वॉवेल एंड कंसोनेंट इज कॉल्ड अ वर्ड। फिर उस कुछ वर्ड्स को एक जगह लाके हम क्या बनाते हैं? फ्रेज बनाते हैं। फिर फ्रेज क्या होगा? जैसा वर्ड मैंने यहां पर ले लिया, अगर एक यहां पर लिखा मैं YOT, अब ये लिखा मैंने, ये क्या हो गया? वर्ड हो गया क्या? नहीं, ये क्या है? ग्रुप ऑफ लेटर्स है ओनली, मीनिंग लेस, इसका मीनिंग नहीं बना। लेकिन मैं अगर इसी वर्ड को ऐसा अगर लिख दिया सीक्वेंस में, तो ये क्या हो गया? ये टॉय हो गया, मतलब मीनिंगफुल वर्ड हो गया। समझ में आ गया? अगर हम कोई लेटर लिखते हैं तो लेटर का वर्ड बनना चाहिए, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। लेकिन उसी लेटर्स को हम अगर एक सीक्वेंस में लिखते हैं जो जिसका कोई मीनिंग बनता है, तो उसको ही हम वर्ड बोलते हैं। फिर कुछ वर्ड एक जगह लाके उसका हम फ्रेजेस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अंडर द ट्री, अंडर द ट्री, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसमें कोई वर्ब नहीं है, ओनली ग्रुप ऑफ लेटर्स है जो मीनिंग कन्वे कर रहा है लेकिन फुल मीनिंग नहीं बता रहा है, तो उसको हम बोलते हैं फ्रेज। और अलग अलग फ्रेज एक जगह लाके हम एक सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस में क्या होना चाहिए? सेंटेंस मतलब क्लॉज बनता है, और क्लॉज का हम सेंटेंस बनाते हैं। एक क्लॉज में एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। फिर सेंटेंस क्या है? जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है वो हो गया हमारा क्लॉज। अब एक सेंटेंस में दो भी क्लॉज हो सकते हैं और दो से ज्यादा भी क्लॉज हो सकते हैं। समझ में आ गया? पहले मैंने तो आपको वर्ड बताया, वर्ड, फिर बाद में फ्रेज बताया। फ्रेज यानी क्या? ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच मेक द मीनिंग बट नॉट कंप्लीट मीनिंग, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता, वो फ्रेज होता है। फिर क्लॉज क्या है? जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट है, उसको हम बोलते हैं क्लॉज। ओके, फिर सेंटेंस क्या है? एक क्लॉज, क्लॉज सेंटेंस भी बन सकता है, लेकिन सेंटेंस क्लॉज नहीं बन सकता, क्योंकि सेंटेंस जो है, सेंटेंस में एक क्लॉज भी हो सकता है, दो क्लॉज भी हो सकता है। ओके, समझ में आ गया कि क्लॉज जो है वो सेंटेंस बन सकता है, लेकिन अगर एक सेंटेंस में दो क्लॉज आ गया तो वो क्लॉज तो नहीं बनेंगे, दो अलग अलग क्लॉज बनेंगे। बराबर है? तो इस प्रकार जो है हम सेंटेंस, डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंस जो है बनाते हैं। अब सबसे पहले देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। जैसा मैंने वर्ड को, वर्ड क्या है ये आपको बता दिया, लेकिन उस अलग अलग जो वर्ड है, बहुत सारे वर्ड है, उस वर्ड्स को हमने डिवाइड किया है। कितने कैटेगरीज में? 8 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है।
ठीक है, कोई वर्ड हम नाउन बोल करके लेते हैं, कोई वर्ड हम प्रोनाउन बोल करके लेते हैं, कोई एडजेक्टिव बोल करके, पूरे वर्ड को हमने 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया और उस 8 कैटेगरीज को हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। उस कैटेगरीज को क्या है, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। फिर उसको डिवाइड कैसा किया, कुछ वर्ड जो है जिसको उसको नाउन में ले लिया, जैसा फिर नाउन के भी हमने टाइप्स बना दिया। कितने टाइप्स बना दिया नाउन के, हमने 5 टाइप्स बना दिया। आपको पता है मैं ज़्यादा डिप में नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे ये चीज़ कवर करना है, लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि अलग अलग प्रकार के जो नाउन होते हैं उसका सेंटेंस में यूज़ कैसा किया जाता है, उसको क्या बोल कैसा लिखा जाता है, क्योंकि हम लैंग्वेज बोल करके इंग्लिश पढ़ रहे, सब्जेक्ट बोल करके नहीं, तो ये बात जो है हमें समझ में आना चाहिए। तो ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लेते हैं नाउन और उसके प्रकार। नाउन के 5 प्रकार होते हैं, जैसा कि प्रॉपर नाउन। सबसे पहले मैं प्रॉपर नाउन के बारे में बताऊंगा। प्रॉपर नाउन जो है पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम को हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं, जो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका नाम आप अगर स्मॉल लेटर में लिख रहे हो तो वो गलत है। कुछ बच्चे आज भी स्मॉल लेटर में लिखते हैं, उन्हें पता ही नहीं है। तो प्रॉपर नाउन जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना चाहिए। आपका नाम हो सकता है, आपका नाम है, आपके पिताजी का नाम भी प्रॉपर नेम में आता, आपका सर नेम भी प्रॉपर नेम में आता। तो हमारा जब भी हम नाम लिखते हैं तो कैपिटल लेटर में ही हमें लिखना चाहिए। तो ठीक है, और ये प्रॉपर नाउन के साथ हम कभी आर्टिकल यूज नहीं करते, ये भी बात हमें ध्यान में रखना है। आर्टिकल क्या होता है, 3 आर्टिकल होते हैं, ए, एन और द। ये तीनों आर्टिकल हम डिवाइड करते हैं 2, इसमें एक डेफिनेट आर्टिकल होते हैं और उसके बाद में इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल द, इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन, ये मैंने आपको पता है, मैंने बता दिया लास्ट लेसन में। तो ये जो है आर्टिकल हम प्रॉपर नाउन के साथ यूज नहीं करते। सेकंड जो है वो कॉमन नाउन। कॉमन नाउन देखो, कॉमन नाउन का हम सिंगुलर प्लूरल करते हैं। कॉमन नाउन जो कॉमन होता है, ओके, कॉमन नेम ऑफ थिंग्स, कॉमन नेम ऑफ पर्सन, जैसा कि चाइल्ड हो गया, चाइल्ड कोई भी हो सकता है, ओके, ये सो ये कॉमन नाउन है। इस कॉमन नाउन के साथ हम आर्टिकल यूज करते हैं। देखो कॉमन नाउन के साथ क्या क्या यूज करते हैं ये ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो हम आर्टिकल यूज करते हैं और कॉमन नाउन का सिंगुलर प्लूरल होता है। फॉर एग्जाम्पल, बॉय, बॉय जो है कॉमन नाउन है, कोई भी बॉय हो सकता है, और बॉय का सिंगुलर प्लूरल, जैसा कि आपका नाम शीतल है, तो शीतल जो है वो प्रॉपर नाउन है, मैं उसको सिंगुलर प्लूरल नहीं कर सकता, लेकिन शीतल क्या है, एक गर्ल है, फिर उस गर्ल को, शीतल भी गर्ल है और रवीना भी गर्ल है, मतलब इसको भी गर्ल बोल सकता हूँ, उसको भी गर्ल बोल सकता हूँ, लेकिन रवीना को शीतल नहीं बोल सकता, मैं शीतल को रवीना नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि प्रॉपर नाउन दिया गया है। जैसा कोई सिटी का नाम प्रॉपर नाउन दिया जाता है, सिटी जो है ये कॉमन नाउन है, और मुंबई अगर बोलने के बाद ये जो है प्रॉपर नाउन है, ये बात समझ में लेना है। मतलब क्या, कॉमन नाउन के साथ हम आर्टिकल यूज करते हैं, सेकंडली कॉमन नाउन जो है हम सिंगुलर प्लूरल करते हैं, ओनली ओनली कॉमन नाउन। उसके बाद में मटेरियल नाउन। देखो अगर कोई चीज बनाने के लिए जो मटेरियल यूज करते हैं उसको बोलते हैं मटेरियल नाउन, और मटेरियल यूज करके जो चीज अगर बन गया उसको बोलते हैं हम कॉमन नाउन। मिल्क मटेरियल है, सैंड मटेरियल है, ओके, ये सभी जो है, मतलब जो मटेरियल बोल करके हम यूज करते हैं उसको हम मटेरियल नाउन जो है उसको हम बोलते हैं। उसके बाद में जो है वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है, कलेक्शन ऑफ पीपल, कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कलेक्शन ऑफ एनिमल्स, इसको हम कलेक्शन मतलब बहुत सारे हैं, लेकिन हम क्या कंसिडर करते हैं, हम कंसिडर करते हैं सिंगुलर बोल करके। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर बोला कि अ बेबी ऑफ गर्ल्स, अभी देखो जो बेबी है, बेबी जैसा कि अ स्टाफ ऑफ टीचर्स, जो स्टाफ है, जो बेबी है, जो बुके है, जो सूट है, जो हर्ड है, ये सभी जो है इसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं। इसके बिफोर हम सिंगुलर आर्टिकल यूज करते हैं, आर्टिकल यूज करते हैं, अ एंड एन। अगर वॉवेल से शुरू होता है कलेक्टिव नाउन तो एन यूज करते, कंसोनेंट से अ यूज करते। देखो अ बेबी ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स जो है कॉमन नाउन लास्ट में आएगा, और कॉमन नाउन शुड बी इन प्लूरल, ये बात ध्यान में रखना। कंस्ट्रक्शन में बता रहा हूं कैसा कंस्ट्रक्शन, कलेक्टिव नाउन का कंस्ट्रक्शन कैसा किया जाता है सेंटेंस में, ओके। अ बुके ऑफ फ्लावर्स आएगा, अ बुके ऑफ फ्लावर्स, लेकिन हम कभी कभी क्या करते हैं, अ बुके तो नहीं देखते, फ्लावर्स प्लूरल देखने के बाद सीधा हम आर
या फिर प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, ये गलत होगा। सबसे पहले हमें देखना है कि उसके पहले क्या है। कलेक्टिव नाउन तो आया नहीं है, कलेक्टिव नाउन देख के फिर हमें कंसिडर करना है हमें क्या लिखना है। उसके बाद में देखो अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यस, अब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रेंडशिप अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मदरहुड अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हॉनेस्टी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। देखो ये चार जो है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब, इसको हम बोलते हैं ओपन एंडेड वर्ब। ओके, किसे? 1, 2, 3, 4 एडवर्ब, 5, इसको हम बोलते हैं ओपन एंडेड और ओपन वर्ड बोलते हैं। ओके, जिसको एंड में हम सफिक्स और प्रीफिक्स लगा सकते हैं। ओके, ओपन एंडेड वर्ड और क्लोज एंडेड वर्ड, और बाकी के जो प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन है, इसको हम बोलते हैं क्लोज एंडेड वर्ड। इसके साथ प्रीफिक्स और सफिक्स नहीं, क्योंकि नहीं लगाते। ये जो वर्ड फॉर्मेशन में इसका हमें यूज करना है, कि नाउन का जो है एडजेक्टिव बन सकता है, एडजेक्टिव का वर्ब बन सकता है। ओके, इसको हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन जो है इसको हम नहीं बदल सकते। और उसके बाद में प्रोनाउन, तो अब बता दो, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब, ये जो है ओपन एंडेड है, ओपन एंडेड वर्ड बोलते हैं। फिर प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, इसको बोलते हैं क्लोज एंडेड वर्ड। इसके साथ प्रीफिक्स, सफिक्स वगैरह नहीं लगते। उसके बाद देखते हैं प्रोनाउन क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन कौन से होते हैं? जो पर्सन से रिलेटेड है। प्रोनाउन का डेफिनेशन आपको पता है कि अ वर्ड व्हिच यूज इंस्टेड ऑफ नाउन कॉल्ड प्रोनाउन, ये आपको पता है। इसको मैं नहीं, जो आपको पता है वो नहीं बताऊंगा, जो आपको पता नहीं है वही चीज मैं बताने वाला। सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन कितने होते हैं जो पर्सन से रिलेटेड है? 8 होते हैं। 8 कौन से है? फर्स्ट सिंगुलर पर्सन, जिसको हम बोलते हैं आई, और फर्स्ट प्लूरल पर्सन जो है वी, मतलब आई का, आई जब सिंगुलर है तो वी जो है वो प्लूरल है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट सिंगुलर एंड प्लूरल पर्सन। सेकंड सिंगुलर और प्लूरल पर्सन क्या है? यू। ओके, यू जो है वो सिंगुलर है और यू जो है प्लूरल है, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद में थर्ड सिंगुलर पर्सन है ही, शी, इट, और थर्ड प्लूरल पर्सन है दे। समझ में आ गया? अभी एक बात समझ में आ गया कि प्रोनाउन में भी सिंगुलर प्लूरल है, हर सिंगुलर को प्रोनाउन, हर सिंगुलर प्रोनाउन का प्लूरल प्रोनाउन है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अभी आई वो यू दे ही शी इट, इसको अगर मैंने यहां पे लिया आई वी यू दे ही शी इट, ये जो पर्सनल प्रोनाउन को मैंने यहां पे लिया, अब जब भी आप ये फॉर्म यूज करोगे इसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव केस, क्योंकि सब्जेक्ट के जगह पे इस फॉर्म को आपको यूज करना है। अब सब्जेक्ट बोले तो क्या, सब्जेक्ट बोले तो क्या, कि कोई सेंटेंसेस में जो डूअर का रोल प्ले कर रहा है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट, और सेंटेंस की बिगिनिंग जो है वह सब्जेक्ट से होता है। ओके, हाँ चलो, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो इसके आगे का पार्ट हम सेकंड वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो देखो ये जो है वीडियो का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट जो है लंबा हो रहा था इसलिए हमने इसके कुछ पार्ट्स बनाए हैं जो आपको समझने के लिए, डाउनलोड करने के लिए या फिर देखने के लिए इजी जाएगा, ऐसा मेरा कंसिडर है। ओके, तो मैंने क्या बोला था लास्ट वीडियो में, ये जो प्रोनाउन है इसको हम पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। पर्सनल प्रोनाउन 8 होते हैं, आई वी यू, यू सिंगुलर है प्लूरल है, दे ही शी इट। ओके, तो ये अगर फॉर्म यूज करना है तो इसको हम सब्जेक्ट बोल करके ही सेंटेंस में यूज करते हैं, लेकिन इसको हमें अगर यूज करना है वर्ब के बाद या प्रीपोजिशन के बाद, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, वर्ब के बाद अगर कोई नाउन और प्रोनाउन आता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, अगर कोई प्रीपोजिशन के बाद वर्ब, कोई प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई
नाउन और प्रोनाउन आता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ये पक्का माइंड में बिठा लेना है। फिर इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, अगर आई को आपको लेना है प्रीपोजिशन के बाद या फिर आपको लेना है वर्ब के बाद, तो आप आई नहीं यूज करोगे, आप इसका ऑब्जेक्टिव केस मी यूज करोगे। वी का अस, यू का यू में चेंज नहीं होगा। दे का देम, ही का हिम, शी का हर और इट का इट। समझ में आ गया। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह लेना है तो आपको ये फॉर्म लेना पड़ेगा, क्योंकि चेंज द वॉइस में ये रूल्स हमें फॉलो करना। और उसके बाद में वर्ब के बाद अगर सपोज आपको आई लेना है या फिर वी लेना है या फिर यू लेना है, तो उसका ऑब्जेक्टिव केस जो भी बनता है वो लेना है। किसके बाद? वर्ब के बाद और प्रीपोजिशन के बाद। पक्का ध्यान में रखना है कि जो भी नाउन और प्रोनाउन आएगा वह नाउन और प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस ही लेना है। ओके, उसके बाद में अगर किसी का पोजीशन बताना है, ये मेरा घर है, ये मेरी कार है, इसको हम बोलते हैं पोजेसिव, तो उसको हम बोलते हैं पोजेसिव प्रोनाउन जो है मी चेंज टू माई। आप अगर माई लोगे तो माई बुक, ये आपका एडजेक्टिव होगा, पजेसिव एडजेक्टिव। लेकिन हम पजेसिव एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, तो पजेसिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। तो वी, वी का होगा अवर्स, अवर्स। अगर आप अवर लोगे तो ये फिर से आपका एडजेक्टिव होगा। देखो पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में फर्क है। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में आपका एक नाउन आएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल माई बुक, अवर स्कूल, इस तरह से। यू जो है यहां पे आएगा यूअर्स और यहां पे आएगा यूअर एडजेक्टिव में। दे का देयर, ही का हीज, शी का हर्स और इट का इट्स। इस तरह जो है वह हमारा क्या होगा? पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन के अलग अलग प्रकार है। इस ये जो प्रोनाउन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने ये एक्सप्लेन किया। रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन भी होता है, ठीक है, और उसके बाद में एट प्रकार के जो है वो प्रोनाउन। से ज़्यादा डिप में नहीं जाने और पहले मैंने आपको बता दिया है, जस्ट इनिशियली मैं आपको हर चीज़ बताने वाला हूँ। उसके बाद में क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या करता है कि नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता, उसको मॉडिफाई करता है। एडजेक्टिव के अलग अलग प्रकार है, मेरा जो एक वीडियो है आप उसमें जाके एडजेक्टिव क्या है ये देख सकते हो। खाली मैं यहाँ पे ये बताने वाला हूँ, एडजेक्टिव जो है नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। ऐसा एडजेक्टिव के भी अलग अलग प्रकार वगैरह है, ठीक है। डिस्क्राइब करना, क्लेवर बॉय। अभी एडजेक्टिव क्या कर रहा है? क्लेवर। क्लेवर क्या है? उसके बारे में क्वालिटी बता रहे हैं, क्वालिटी क्वांटिटी, ये जो है एडजेक्टिव बताता है, जो मॉडिफाई करता है, इसको मॉडिफायर बोलते हैं। उसके बाद में वर्ब। अब देखो वर्ब के जो है यह अलग अलग प्रकार है। ओके, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, ये इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है। आपको वर्ब देखना है कि वर्ब के दो प्रकार है, फिर फाइनाइट वर्ब किसे बोलना है, नॉन फाइनाइट किसे बोलना है, फाइनाइट वर्ब में ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब को कैसे आइडेंटिफाई करना है, इंट्रांजिटिव वर्ब को कैसे आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद में जो वर्ब है वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल्स क्या है, ये सभी। और नॉन फाइनाइट में जो है तीन प्रकार के, जीरंड, पार्टिसिपल, ये सभी मैंने एक वीडियो में बताया है, उसमें जाके आप देखो, मतलब ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एडवर्ब जो वर्ब के बारे में बता रहा है, वर्ब एक्शन कब घटा है, कैसे घटा है, ये सब बताता है एडवर्ब, कहाँ घटा है ये सब बताता है, प्लेस वगैरह जो है ये एडवर्ब बताता है। और प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या करता है? रिलेशन बताता है। प्रीपोजिशन आया मतलब उसके साथ नाउन और प्रोनाउन आएगा। ओके, तो उसका एक प्रीपोजिशन रिलेशन बताने का काम करता है, इस नाउन का रिलेशन अदर वर्ड से बताता है। सॉरी, कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या करता है कि दो वर्ड दो सेंटेंस को कनेक्ट करता है। कंजंक्शन के भी तीन अलग अलग प्रकार है, जो कोरिलेटिव कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है।
ये भी मैंने एक्सप्लेन किया है। और उसके बाद में इंटरजेक्शन, जो अपने फीलिंग्स होते हैं वो फीलिंग्स एक्सप्रेशन कर एक्सप्रेस करने का काम जो है इंटरजेक्शन करता है। तो देखो इसका यूज जो है सेंटेंस में किस प्रकार करते हैं मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ। उससे पहले मैं आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस कितने प्रकार होते हैं, सेंटेंस के चार प्रकार होते हैं। पहला प्रकार जो होता है जिसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट्स और डिक्लेरेटिव, और डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी उसको बोलते हैं, एसर्टिव सेंटेंस भी उसको बोलते हैं। अभी जो ये सेंटेंस है स्टेटमेंट सेंटेंस या फिर एफिर्मेटिव सेंटेंस, स्टेटमेंट सेंटेंस डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसके दो प्रकार होते हैं। एक होता है एफिर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस किसे बोलना है, नेगेटिव सेंटेंस किसे बोलना है, जब मैं टेंस पढ़ाऊंगा तब ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड प्रकार होता है वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब जैसा स्टेटमेंट सेंटेंस के दो प्रकार होते हैं वैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी दो प्रकार होते हैं। एक होता है वर्बल टाइप और सेकंड जो होता है वो होता है WH टाइप। अब वर्बल टाइप कैसा बनाते हैं, WH टाइप कैसा सेंटेंस बनाते हैं, ये टेंस में मैंने एक्सप्लेन किया है। आप अगर टेंस देखोगे तो ये सब आपको डिटेल में पता चलेगा। तीसरा जो प्रकार होता है वो होता है इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसमें ऑर्डर दिया जाता है, जिसमें रिक्वेस्ट होता है, जिसमें ब्लेसिंग, जब ब्लेसिंग अलग प्रकार भी माना गया तो उसको ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं, लेकिन ब्लेसिंग भी इंपेरेटिव सेंटेंस में आते हैं, इसलिए मैं ऑप्टेटिव को अलग नहीं इसी में मानता हूँ। इसलिए थर्ड जो है वो होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। ओके, इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इसमें सब्जेक्ट क्या होता है, यू होता है सब्जेक्ट और यू साइलेंट होता है। यहाँ पे इंपेरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है कभी कभी साइलेंट होता है, जैसा कि हम कभी को ऑर्डर देते हैं स्टैंड अप, सिट डाउन, गेट आउट, तो इसमें यू जो है, मैं किसे बोल रहा हूँ, मेरे सामने जो व्यक्ति खड़ा है उसे मैं बात कर रहा हूँ, उसे मैं बोल रहा हूँ, उसे मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, तो यू जो है हम साइलेंट रखते हैं, इसका मतलब इसमें सब्जेक्ट यू है और बाकी हम प्रेडिकेट कंसिडर करते हैं। लास्ट जो है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है एंड होता है एक्सक्लेमेटरी मार्क्स और शुरू होता है व्हाट एंड हाउ से। ओके, तो जनरल एक्सक्लेमेशन मार्क देके भी हम फीलिंग्स हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस तरह चार प्रकार के जो है वो सेंटेंस होते हैं। अभी हम सेंटेंस एनालाइज करेंगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है सेंटेंस में। देखो सुरजीत सिंह, मुझे मैं इंफॉर्मेशन किसके बारे में दे रहा हूं, ये सुरजीत सिंह के बारे में दे रहा हूं, तो ये हो गया मेरा नाउन। अब कौन सा नाउन हो गया, ये तो पर्सन का नाम है, पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, तो ये हो गया मेरा प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन है लेकिन यहां पे रोल प्रॉपर नाउन का कर रहा है कि सेंटेंस में नहीं, तो ये कर रहा है रोल सब्जेक्ट का। ओके, सब्जेक्ट और ये वाज क्या है, वाज देखो वाज जो है ये हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है, बराबर है, तो इसको हम बोलते हैं वाज को वर्ब बोल करके काम किया है, इसको हम बोलते प्रेडिकेटर ऑफ द सेंटेंस, ये हो गया हमारा प्रेडिकेटर वाज। अ गुड टीचर या गुड टीचर क्या है, ये हमारा है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट किसे बोलना है, अगर कोई वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड जिस जो सब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन दे रहा है वो होगा हमारा कॉम्प्लीमेंट। ओके, अगर कॉम्प्लीमेंट को हम थोड़ा एक्सटेंड करें तो ये हमारा आर्टिकल हो गया, कौन सा आर्टिकल हो गया, इनडेफिनेट आर्टिकल हो गया। और ये आर्टिकल किसके लिए आया है, ये हमारा जो लीडर, लीडर क्या है, नाउन है, नाउन के लिए आर्टिकल आया है। अगर हमें लेना है एडजेक्टिव तो हमें इस दोनों के बीच में एडजेक्टिव, देखो ये एडजेक्टिव के लिए नहीं आया है, आर्टिकल एडजेक्टिव के लिए काम नहीं करता, आर्टिकल तो करता है हमारे नाउन के लिए काम करता है। ओके, तो नाउन और प्रोनाउन के लिए काम करता है, तो लेकिन हमारा जो एडजेक्टिव है एडजेक्टिव मॉडिफाई नाउन को करता है, इसलिए हम स्ट्रक्चर कैसा बनाते हैं, पहले हम आर्टिकल लेते हैं उसके बाद में एडजेक्टिव और उसके बाद में नाउन हम लेते हैं।
समझ में आ गया। अब देखो सेकंड सेंटेंस है, द गर्ल इज प्लेइंग विथ अ टॉय। अभी द गर्ल क्या है, द यहाँ पे हमारा फिर से आर्टिकल हो गया। कौन सा आर्टिकल हो गया, डेफिनेट आर्टिकल हो गया, क्योंकि मैं डेफिनेट गर्ल के बारे में बता रहा हूं, उस गर्ल के बारे में बता रहा हूं जो गर्ल वहां पे प्ले कर रही है। अभी देखो गर्ल, अब ये दोनों मिलके इसको हम क्या बोलते हैं, डिटरमाइनर बोलते हैं आर्टिकल को। क्यों, क्योंकि डिटरमाइन कर रहा है मतलब नाउन के बारे में बता रहा है, ठीक है, नाउन के साथ आया है तो ये बन गया हमारा डिटरमाइनर। द गर्ल, ये दोनों मिलके बन गया हमारा सब्जेक्ट। देखो हम अलग अलग डिटरमाइनर को नाउन को अलग नहीं करते, हम साथ में कंसिडर करते हैं और ये हो गया हमारा नाउन फ्रेज, बराबर है। और ये नाउन फ्रेज पूरा मिलके बन गया यहाँ पे सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। रोल किसका प्ले कर रहा है, सब्जेक्ट का प्ले कर रहा है। और इज प्लेइंग ये हमारा क्या है, वर्ब फ्रेज है, वर्ब फ्रेज। और ये हमारा बन गया प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का क्या बन गया, इसको हम बोलते हैं वर्ब को। इसका रोल क्या है, प्रेडिकेटर का रोल प्ले कर रहा है। वर्ब को हम सेंटेंस में क्या बोलते हैं, प्रेडिकेटर का रोल प्ले कर रहा है, प्रेडिकेटर हम उसको बोलते हैं। ये बन गया हमारा प्रेडिकेटर। इज, यहाँ पे इज क्या कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। हेल्पिंग किसे कर रहा है, ये वर्ब को कर रहा है। किस चीज के लिए हेल्पिंग कर रहा है, उसका टेंस बताने के लिए हेल्पिंग कर रहा है। देखो मैंने क्या बोला, यहाँ पे वाज है, वाज की जगह पे अगर इज लिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुरजीत सिंह इज अ गुड लीडर, मतलब प्रेजेंट में बता रहा है, मतलब यहाँ पे इज क्या हो गया, यहाँ पे मेन वर्ब हो गया इज, ओके। और यहाँ पे इज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब कोई वर्ब के साथ अगर हेल्पिंग वर्ब आता है, मतलब एम इज आर टू बी फॉर्म आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। अगर टू बी फॉर्म के बाद कोई वर्ब नहीं आता है तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम, यस मेन वर्ब बोलते हैं। अब विद क्या है, यहाँ पे विद तो प्रीपोजिशन है, ओके। अब प्रीपोजिशन के बाद आने वाला क्या होता है, जो भी नाउन और प्रोनाउन होता है वो उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में होता है। ऑब्जेक्ट किसका है, तो ऑब्जेक्ट वर्ब का भी हो सकता है और प्रीपोजिशन का भी हो सकता है। मतलब यह जो है, मतलब ये वर्ब के बाद आया है क्या, नाउन नहीं आया, नाउन और प्रोनाउन नहीं है, किसके बाद आया है, प्रीपोजिशन के बाद आया है, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट केस हो गया। लेकिन इसका रोल क्या है, ये तो एक फ्रेज है। देखो ये विद अ टॉय, ये कौन सा फ्रेज हो गया, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। और प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है वो रोल किसका करता है सेंटेंस में, एक तो एडजेक्टिव का रोल करता है, नहीं तो फिर एडवर्ब का रोल करता है। फिर किसका रोल, विद अ टॉय, विद व्हाट इट इज प्लेइंग, ये किससे खेल रहा है, किससे खेल रही है, तो किससे खेल रही है, गर्ल विद अ टॉय से खेल रही है। मतलब प्रीपोजिशन फ्रेज तो हो गया, लेकिन इसका रोल क्या है, इसका रोल यस नाउन फ्रेज का। ही हैज वर्क इन द फार्म, ही हैज वर्क, अब ही जो है यहां पे प्रोनाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, तो ये पर्सनल प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव केस में पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। हैज, हैज क्या है, टू हैव फॉर्म है, टू हैव फॉर्म, यहां पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, टेंस बता रहा है। और वर्क क्या हो गया, ये आपका वर्ब थर्ड फॉर्म हो गया, मतलब हैज के साथ आने वाला वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म में होता है। अब इसको मैं एक जगह बन गए तो ये बन गया आपका सब्जेक्ट और ये बन गया आपका प्रेडिकेटर। और उसके बाद में इन, आप यहाँ पे प्रीपोजिशन बन गया और इनके बाद में जो आया है वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस बन गया इन द फॉर्म, द आर्टिकल है और फॉर्म जो है यह नाउन हो गया। फिर सब्जेक्ट, प्रेडिकेटर और इन द फॉर्म, फिर से ये प्रीपोजिशनल बन गया और इसका रोल क्या है, ही वर्क वेयर, वेयर से आंसर जो देते हैं उसको हम बोलते हैं, उस फ्रेज को हम बोलते हैं एडवर्ब, ओके। वेयर जो है प्लेस बता रहा है, मतलब ये हो गया हमारा एडवर्ब का रोल प्ले कर रहा है। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन फ्रेज है लेकिन रोल इस सेंटेंस में एडवर्ब का कर रहा है। तो ठीक है, रिमेनिंग पार्ट जो है हम थर्ड पार्ट में ये कंटिन्यू करते हैं। टिल देन सी यू, बाय, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी का इस थर्ड पार्ट में, देखो इस जो एक्सप्लेनेशन का हमने फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट जो है यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ।
वीडियो थोड़ा लंबा था, इसलिए मैंने इसको पार्ट में डिवाइड करके आपके सामने रखने की मैं कोशिश करूँ। तो देखो, ये तो हो गया व्हाट अ ब्यूटीफुल मोनूमेंट। अब ये प्रकार किस प्रकार का है? ये पहला सेंटेंस जो है इसको हम स्टेटमेंट प्रकार में देते हैं, क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग है ये सब्जेक्ट से हुआ है। सेकंड भी जो है इसका भी स्टार्टिंग सब्जेक्ट से हुआ है, और थर्ड जो है इसका भी स्टार्टिंग सब्जेक्ट से हुआ है। तो इसको हम एक तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस, स्टेटमेंट सेंटेंस बोल सकते हैं, ठीक है। अभी व्हाट अ ब्यूटीफुल मोनूमेंट, इसका एंडिंग जो है यह एक्सक्लेमेटरी। देखो व्हाट जो है इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन बोल करके भी यूज करते हैं, ओके, रिलेशन बताने के लिए। उसके बाद में जो व्हाट है इसको हम WH टाइप ऑफ क्वेश्चन बोल करके यूज करते हैं, और यहाँ पे जो व्हाट है हम इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी यूज करते हैं। ये आइडेंटिफाई किससे करना है? अगर इसके बाद क्वेश्चन मार्क आ गया तो वो हो गया WH टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क आ गया तो वो हो गया हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और ये जो व्हाट है सेंटेंस के बीच में आ गया तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव वर्ड बोलते हैं। तो देखो व्हाट अ ब्यूटीफुल मोनूमेंट, अ ब्यूटीफुल मोनूमेंट, यहाँ पे मोनूमेंट क्या है? यहाँ पे नाउन है मोनूमेंट, और ब्यूटीफुल क्या है? एडवर्ब आया है, और अ जो है ये आर्टिकल आया है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और इजेंट यूर नेम सोनम, ये जो सेंटेंस है इसको हम बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस के दो प्रकार होते हैं, मैंने बताया। ये जो है वर्बल टाइप ऑफ क्वेश्चन है। वर्बल टाइप ऑफ क्वेश्चन को किस किसे बोलते हैं? जो क्वेश्चन की शुरुआत बिगिनिंग जो है वह हेल्पिंग वर्ब से हुआ है उसको हम बोलते हैं वर्बल टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसका आंसर, इसको यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन भी बोलते हैं, क्योंकि इसका शुरुआत जो है हेल्पिंग वर्ब से हुआ है, और इसका आंसर जो है एक तो यस और नो से दिया जाता है, एंडिंग जो है वो क्वेश्चन मार्क से। फिर इसका कंस्ट्रक्शन किया कैसे किया जाता है कि सेंटेंस की बिगनिंग हेल्पिंग वर्ब से होता है, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट के बाद में ऑब्जेक्ट आता है। इस प्रकार हम सेंटेंस की जो है कंस्ट्रक्शन करते हैं। उसके बाद में व्हाट इज दिस, ये जो सेंटेंस है इसको बोलते हैं WH टाइप ऑफ क्वेश्चन, WH टाइप। अब WH टाइप के क्वेश्चन की शुरुआत WH वर्ड से होते हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ मेनी, हाउ मच, व्हिच, हूज, ये सभी जो है WH टाइप वर्ड्स है, और इसकी शुरुआत जो है WH टाइप वर्ड से होता है, और एंड जो है क्वेश्चन मार्क से होता है, फिर उसको हम क्या बोलते हैं? उसको WH टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। और ये जो है गो एंड सीट इन टू द क्लास, ये कौन सा सेंटेंस हो गया? ये इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। क्यों? क्योंकि इसकी शुरुआत जो है वर्ब से है, गो जो है आपका वर्ब है, और इसमें यू जो है वह साइलेंट होता है, यू लिखते नहीं है, ओके? और इसको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अगर बोला जाए तो इसमें जो है यू सब्जेक्ट है और बाकी सभी जो है ये प्रेडिकेट, इसको बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस बिगिन किससे होते हैं? सब्जेक्ट से होता है क्या? नहीं, कभी वर्ब से होता है, अगर रिक्वेस्टिंग है तो कभी प्लीज से होता है, तो उसको हम इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। उसके बाद में जो है यह राम, राम क्या है? डूअर ऑफ एन एक्शन है। राम क्या है? सब्जेक्ट है। राम क्या है? तो नाउन है। कौन सा नाउन है? तो यह प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये किसी का नाम है। और जो ये वर्ब, इसको हम यहां पर रोल क्या है? सब्जेक्ट का रोल है। उसके बाद में जो वेंट है ये वर्ब है, इसको हम बोलते हैं प्रेडिकेटर। सेंटेंस में वर्ब का रोल क्या होता है? सेंटेंस में प्रेडिकेटर का रोल होता है, इसको हम बोलते हैं प्रेडिकेटर, और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ओके। टू क्या है? फिर से प्रीपोजिशन है। और द रेलवे स्टेशन क्या है? तो ये हो गया हमारा नाउन, ओके। फिर रोल क्या है? राम बन गया सब्जेक्ट, और ये बन गया प्रेडिकेटर, टू बन गया प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन किसके लिए आया है? ये स्टेशन के लिए आया है, रेलवे स्टेशन नाउन के लिए आया है। तो इसका रोल क्या है? राम वेंट, वेयर का आंसर दे रहा है। ये तो बन गया तुम्हारा प्रीपोजिशनल फ्रेज, लेकिन इसका रोल क्या है सेंटेंस में? ये एडवर्ब का रोल कर रहा है सेंटेंस में, एडवर्ब का रोल, ओके। एडवर्ब का मतलब इसको बोलते हैं हम एडवर्बियल, एडवर्बियल बोलते हैं। अब देखो नेक्स्ट, आई ईट एन एप्पल अर्ली इन द मॉर्निंग। अभी आई क्या हो गया? यहाँ पे प्रोनाउन हो गया। इसका सेंटेंस में रोल क्या है? सब्जेक्ट का रोल है। ईट जो है ये तो वर्ब हो गया, वर्ब को हम प्रेडिकेटर बोलते हैं। और क्या कर रहा है? व्हाट ईट एन एप्पल, मतलब अगर व्हाट से और हुम से
क्वेश्चन पूछने के बाद किसे क्वेश्चन करना है, वर्ब को, जो भी आंसर मिलता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ये व्हाट ईट एन एप्पल, ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। ये तो नाउन है, एप्पल तो नाउन है, लेकिन किसके बाद आया है, ईट के बाद, वर्ब के बाद आया है, मतलब ये आपका बन गया ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट बन गया, ये ईट का ऑब्जेक्ट बन गया। अब इट का जब ऑब्जेक्ट बन गया, अगर किसी वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, क्या बोला मैंने, अगर किसी वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है तो उस वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। देखो, राम वेंट के बाद में कोई ऑब्जेक्ट आया है क्या, नहीं आया, फिर इसको हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। राम वेंट कहा गया है, इसका आंसर दिया है, मतलब इसको हम एडवर्ब मान लिए। अगर व्हाट से आंसर देने के बाद, व्हाट से और हुम से आंसर देने के बाद, वो जो आंसर है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बनते हैं। अगर किसी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ गया तो उस वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, और किसी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया तो उसको बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। तो यहाँ पे ये जो वर्ब है ट्रांजिटिव बन गया क्योंकि वर्ब के बाद एन एप्पल आया है। ओके, अर्ली इन द मॉर्निंग, वेन का आंसर दे रहा है, मतलब ये अर्ली क्या हो गया, इन द मॉर्निंग क्या हो गया, तो ये एडवर्ब का रोल प्ले कर रहा है। शी रोट मी अ लेटर, देखो लास्ट सेंटेंस है, शी फिर से यहाँ पे प्रोनाउन है, यहाँ पे सब्जेक्ट का रोल कर रहा है। रोड जो है ये तो वर्ब है, मतलब इसको हम प्रेडिकेटर बोलते हैं सेंटेंस का। और मी जो है, हुम रोड, किसे लिखा है, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। और व्हाट रोड, ये फिर से हो गया ऑब्जेक्ट। और इस सेंटेंस में तो दो ऑब्जेक्ट आ गया। तो व्हाट से, व्हाट रोट, क्या लिखा है, व्हाट से पूछने के बाद जो भी ऑब्जेक्ट आता है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और हुम से पूछने के बाद जो भी आंसर मिलता है उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये जो वर्ब है इस वर्ब को हम बोलते हैं डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इस वर्ब के साथ दो जो है ऑब्जेक्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी सेंटेंस में एक भी ऑब्जेक्ट आ सकता है, कभी दो भी ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, और कभी ऑब्जेक्ट नहीं भी आ सकता। फिर कैसे आइडेंटिफाई करना है ऑब्जेक्ट को, व्हाट और हुम से क्वेश्चन पूछना है, हुम से क्वेश्चन पूछने के बाद आपको यही आंसर मिलेंगे। ओके, अगर ये सेंटेंस में दिख रहा है वर्ब के बाद ये दिख रहा है, वर्ब के बाद की बात बोल रहा है, प्रीपोजिशन के बाद की नहीं, वर्ब के बाद में अगर ये दिख रहा है तो ये आपका हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, अगर कोई थिंग दिख रहा है, व्हाट से आंसर मिल रहा है, तो वो आपका हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट आ गया, कोई भी एक ऑब्जेक्ट आ गया, तो वो ऑब्जेक्ट वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब बनाता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आया तो वो, जो ऑब्जेक्ट नहीं आया तो वर्ब को इनट्रांजिटिव वर्ब बनाता है। ऑब्जेक्ट दो जगह आ सकते हैं, एक वर्ब के बाद भी और एक प्रीपोजिशन के बाद में भी ऑब्जेक्ट आता है। अगर ऑब्जेक्ट आ गया तो उसको हम कौन सा केस बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं, और इसके बाद में हमें वो लिखना पड़ता है। ठीक है, तो अगला पार्ट जो है, अगला सेशन जो है टेंस का होगा, तो हम टेंस अगले सेशन में पढ़ेंगे। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कॉमेंट बॉक्स में जाके मुझे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।